नकली रेमडेसिविर भी अब ब्लैक में बिक रहा है। गैर सरकारी संगठन की मदद से नकली रेमडेसिविर बेच रहे 3 युवकों को दबोचा गया। सकरदरा पुलिस को इसकी सूचना देकर पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए देर रात पुलिस ने आरोपी युवकों के घर में भी छापे मारे, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। सकरदरा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। रेमडेसिविर असली है या नकली, इसकी सच्चाई जानने के लिए अनव औषधि विभाग को इंजेक्शन भेजे जाएंगे। सकरदरा थाने के वरिष्ठ निरीक्षक सत्यवान माने ने बताया कि आरोपियों से बरामद किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन असली है या नकली, यह कह पाना अभी मुश्किल है। कल हमें 5:30 या शाम को 5:30-6 बजे की एक इन्फॉर्मेशन मिली कि मिर्ची बाजार बांडे प्लॉट के वहाँ पे जो कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ पे 2 डुप्लीकेट रेमडेसिविर की इंजेक्शन बेचने के लिए आए हैं। और वो लोग जो है वो नीचे पेशेंट्स के रिलेटिव उनको पूछ रहे हैं कि वो इंजेक्शन चाहिए क्या। तो एक जन को डाउट आया, अपने पास इन्फॉर्मेशन मिली, जाने के बाद दोनों को ताबे में ले लिया। तो ऐसा उनके जेब में झड़ती लिया तो ऐसा पता चला कि उनके पास जो इंजेक्शन है वो वाइल्स है, लिक्विड है, और वो डुप्लीकेट है, पानी भरा है या और कुछ दूसरा, लेकिन वो डुप्लीकेट है। तो इस तरह से हम लोगों ने उसको ताबे में लिया, इंक्वायरी किया। तो इंक्वायरी में ऐसा पता चला कि उन्होंने एक इंजेक्शन और एक पेशेंट से रिलेटिव से 28,000 में बेचा है सेम ऐसा, वो भी डुप्लीकेट था। तो इस आधार पर हम लोगों ने गुना दाखिल करके 3 आरोपी को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और आगे की जाँच चालू है। अभी लोगों को इसका थोड़ा अवेयरनेस या डॉक्टर से बात करने के बाद आया है कि वो जो रेमडेसिविर आता है ये पाउडर फॉर्म में आता है और मिक्स करके ऑयल डाइल्यूट करके फिर इसको दिया जाता है। तो ये जो लिक्विड था, दूसरी बात है इसके ऊपर कोई पैकिंग का कवर नहीं था, खाली वो कांच की शीशी है और इसमें रीयूज वाला बॉटल ऐसा वाला दिखने, इसकी वजह से उनको भी डाउट आया, रिलेटिव वाला या हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया उनको ही डाउट आया। डाउट के आधार पर उन्होंने हमें बताया था। आरोपी अभिशलाल देवराव पेटकर न्यू सुविधा लेआउट निवासी और उसका मित्र अनिकेत मुरेश्वर नंदेश्वर तुकड़ोजी चौक निवासी है। दोनों निजी अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन है। इस घटना में एक और आरोपी शामिल है। मंगलवार की दोपहर दोनों आरोपी ऋषिबाग चौक में नव प्रतिभा स्कूल के पास रेमडेसिविर बेचने के लिए आए थे। इसके लिए वह ग्राहक की तलाश कर रहे थे। कुछ लोगों को रेमडेसिविर दिखाया भी। इसकी कीमत 40,000 रुपए बताई। मोल भाव के बाद आरोपी 28,000 रुपए में रेमडेसिविर देने को तैयार हो गए, लेकिन रेमडेसिविर सील पैक नहीं होने की वजह से खरीदार ने उस पर संदेह जताया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।